अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग धनक, सुख के सारे रंग ए प्लस के संग। मैं हूँ हिना सलमान, वो तो आपको पता ही है। कैसे हैं? ठीक हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? अब तो मौसम इतना प्यारा, इतना खुशगवार है कि मैं आज सुबह ऑफिस आ रही थी तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी। अच्छा, उस फॉग में ना मुझे मेरे फ्रेंड्स याद आ रहे थे। देखें कितनी अजीब सी बात है, मैंने फैमिली नहीं कहा, मैंने फ्रेंड्स कहा है। फैमिली तो वो एक ऐसे लोग होते हैं ना जो कि हमेशा आपके साथ बॉन्डेड होते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो जुदा नहीं हो सकते, ब्लड रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है। मगर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो आपके दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई उम्र कैद नहीं होती, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो नाराज़ हो जाएंगे तो हमारे वो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ से अगर वो नाराज़ हो गया तो वो मामी नाराज़ हो गई तो फूफो के घर मसला होगा, फूफो नाराज़ हो गई तो मेरी फूफो की बेटी मुझसे बात नहीं करेंगी। लेकिन दोस्त मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं या सबके दोस्त हैं, आप लोगों के भी दोस्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो गमी, खुशी, मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी के साथ साथ ना दोस्त भी फ़िल्टर हो जाते हैं, आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाता है कि ये दोस्त हमारे साथ रहेंगे, ये दोस्त हमारे साथ नहीं रहेंगे। कॉलेज की दोस्ती, स्कूल की दोस्ती, यूनिवर्सिटी की दोस्ती, बचपन की दोस्तियाँ तो हर लेवल ऑफ यू नो लाइफ आपके साथ चलती रहती हैं। और प्रोफेशनल दोस्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है, जहाँ तक और कुछ लोग कहते भी हैं कि जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है कि यार प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कुलीग्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, समझाते हैं। जैसे मैं भी इधर काम कर रही हूँ, मेरे कुछ कुलीग्स मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मुझे प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मुझे प्रोफेशनल टिप्स देते हैं, जो कि आजकल मुझे लगता है बहुत लोग कम देते हैं। तो इन दोस्तों को संभाल के रखना, इनके साथ चलना भी एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, मरहला होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि कहते हैं ना कि हज़रत अली का कौल है कि गरीब वो है जिसके कोई दोस्त नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि ज़िंदगी के मशवरे, अपने बच्चों के मशवरे, अपने लाइफस्टाइल के मशवरे, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने के मशवरे सब अपने अपने दोस्तों से कर सकते हो, और वही आपको बता सकते हैं कि भाई ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि उनके भी अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी ज़िंदगी के हर मोड़ पे खड़े होते हैं। तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, या यार मेरा बच्चा स्कूल में आज उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मैं वर्किंग हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो कुछ गिल्ट है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप शेयर करते हो। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं वीकेंड के वीकेंड ना, मुझे ये होता है कि एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स के साथ रखा होता है और जो दूसरा दिन है मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गुजारूं। जैसे आपको पता है कि जो सेट मैंने आपको दिखाया हुआ भी है और सेट पे बैठी हुई भी हूँ, ये भी हमने एक लाउंज बनाया। इंस्पिरेशन होती है, मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत मुझे लगता है मेरे दोस्तों से है, मैं कुछ ना कुछ उनका एक्सट्रैक्ट करती रहती हूँ। दोस्तियाँ टूटना भी बहुत वो होता है कि मायूब हो जाता है समटाइम्स, आप ज़िंदगी में थोड़ा सा आपका मोराल लो हो जाता है। मैं ऐसी बात नहीं कि दोस्तियाँ नहीं टूटती, दोस्तियाँ टूटती भी हैं, और यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की दोस्तियाँ टूटती हैं। अगर आप टिकटॉकर्स की बात करें, सोशल सेलिब्रिटीज़ की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, और भी डिफरेंट जॉनरा सिंगर्स की बात करें, तो बहुत बहुत सी दोस्तियाँ टूटी हैं। स्ट्रिंग्स बैंड में लें आप बात करें तो वो भी टूट गया, जुनून की बात करें तो सलमान अहमद साहब भी अलग हो गए। सोशल अगर प्लेटफॉर्म पे बात करें टिकटॉकर्स की, तो खान सैफ और सहर हयात वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टिकटॉकर्स थे, जिनकी हमेशा से इकट्ठे हमने टिकटॉक्स देखी थी, तो वो भी अलग हो गए, दोस्तियाँ टूटी। इसके अलावा अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करें तो सना नवाज़ का नाम आता है इसमें, इमरान अशरफ का नाम आता है, वो दोस्तियाँ नहीं थी, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी तो एक दोस्ती से शुरू होता है, तो वो फिर जाके एक बंधन बनता है, और वो बंधन एक फिर एक आप रिश्ता निभाते हो मियाँ बीवी का। तो दोस्तियाँ टूटना, रिश्ते टूटना, हमने ये पिछले साल देखा, मगर इस साल हम चाहते हैं, हमारा ये मोटो हो कि कुछ भी
एक जैसा ना रहे, मतलब कि अगर दोस्तियाँ टूटी हैं तो उसको उसको आप यू नो खुशाइन करो, अगर दोस्तियाँ टूटी हुई हैं तो उसके आप कोई नेमल बदलो, आप अपनी ज़िंदगी में फिर भी आगे बढ़ो और उनको उन यादों को जो आपने उन दोस्तों के साथ गुजारी हैं या अपने स्पाउसेस के साथ गुजारी हैं उनको चेरिश करो। इस यही हमारा आज के प्रोग्राम का मोटो है कि दोस्तियाँ कैसी होती हैं, दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगी, मेरे दोस्त भी बहुत प्यारे हैं और मेरा हमेशा से ही उनके साथ एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड रहा है। रिश्तों के साथ अगर बात की जाए तो रिश्तों का तकाजा ये है कि उनको साथ लेके चलना, और मुझे लगता है कि मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी यही होगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी खुश रहें, मेरे दोस्त भी मुझसे खुश रहें, मेरे कलीग्स भी मुझसे खुश रहें, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, मैं कोई ऐसा फेल ना करूं जिससे किसी का दिल टूट जाए। और मेरी सारी बहनें मुझे देख रही हैं, बल्कि चाय का कप भी मैं उठाने लगी हूँ उनके साथ, मेरा आज दिल चाह रहा था मैं आज नाश्ता करूँ, उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी एक दोस्त थी, मेरे दिल के बहुत करीब थी, 2 सालों से मैं उससे नहीं मिली, कुछ और दोस्तों ने कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी, बल्कि मैंने उसको अनब्लॉक भी किया, बल्कि होता है कि दोस्त आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर दें कि हमने बात नहीं करनी, मैसेंजर में वो मुझे ना देख पाए, मैं उसको ना देख पाऊँ, मेरी कोई बच्चों की पिक्चर्स ना चली जाएँ, उसने अपनी बच्चों की पिक्चर्स मुझसे छुपाई। मगर आज मैं स्क्रीन पर कह रही हूँ कि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो ऐसी थी जिसके साथ मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी एक बॉन्डिंग है। अच्छा, ये बहुत थोड़ी इमोशनल बातें हो गई हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इमोशनल करूं, मैं चाहती हूं कि हम लोग खुशी से ये आज वक्त गुजारें अपने दोस्तों के साथ, मगर वो खुशी जो है वो मुझे हमेशा से हुमा दिखाती हैं, और कहते हैं ना कि खुशी का राज आपके पेट से होता है, तो हुमा आज मेरे साथ है मेरे किचन में, और हुमा जो कि बड़ा मज़ेदार खाना बनाती हैं, दिल नहीं खुश होता, पेट भी खुश हो जाता है और आपके मुंह पे भी एक स्माइल आ जाती है। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी, खूबसूरत और बहुत ही, आज मुझे आपका कलर कुर्ते का बहुत खूबसूरत लग रहा है, लव द जिराफ बिकॉज ये मेरा स्टेटमेंट पीस होता है। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें कहीं ना जानवर पसंद आते हैं जोड़ों के ऊपर, बट आई रियली लाइक योर क्लोथ्स। और हमारी दोस्ती जो है ना वो भी नई नई शुरू हुई है नए साल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मुलाकात रही है लेकिन दोस्ती मुझे लगता है। हुमा, मैं जरा ना मेकअप रूम में थोड़ा कम बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बात करती, मैं बात करती हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी दोस्ती माशाल्लाह शुरू हो गई भी है। लेकिन दोस्ती के साथ साथ ये जो इंसान का खाने के साथ भी दोस्ती का रिश्ता है ना, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो रिश्ता जो हम अपने जब कोई मेहमान आते हैं और उनको सर्व करते हैं ना, ये मोहब्बत का इजहार जो होता है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है दोस्तों में। आपकी जो ट्रॉली होती है ना वो ही बता देती है कि आपके मोहब्बत का इजहार क्या है। कहते हैं ना जिसके आगे निमको और चाय रखो, भाई वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है और डिश है, खलूस के साथ रखो, वो भी एक दोस्ती है। और इवन कि अगर आप किसी को चिकन सर्व करते हो या किसी को आप सूप सर्व करते हो, क्रैकर सर्व करते हो, तो वो भी उससे ज़्यादा बढ़ के दोस्ती है। तो आपका दोस्त आपकी वो मोरालिटी को जज कर सकता है, बिल्कुल, और वही अंडरस्टैंड कर सकता है आपके खलूस को। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो खून का रिश्ता नहीं है, वो हम खुद चूज़ करते हैं, हम खुद बनाते हैं, बट वो एक बूके होता है जो कि आपके साथ साथ चलता है और आप बड़े फेमिलियर होते हो कि अच्छा वो आपका दोस्त था, बिल्कुल, आपकी पिक्चर उसके साथ देखी थी, वो आपका दोस्त था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे इतने सारे रिश्तों की बात हो रही है और वो रिश्ते जो मोहब्बत के और खलूस के होते हैं वही अच्छे रिश्ते होते हैं। और अभी हमारा भी रिश्ता थोड़ा नया नया चलेगा, इंशाल्लाह, क्यों नहीं चलेगा, हमारा चलेगा। मेरा तो रिश्ता भी, मुझे तो इस वक्त आपके जो कल भी मैंने जो मास्क खाया, टेंडर पॉप्स, दे वर अमेजिंग टेंडर पॉप्स। आज भी मुझे कुछ उसी तरह की चिप्स बना रही हूँ आज मैं, और उसके साथ टार्टर सॉस होगी। और मौसम बाहर बहुत प्यारा है, मुझे लग रहा है मौसम तो आज सुबह सुबह तो ऐसे था जैसे कॉटन कैंडीज नहीं होती, मुंह के ऊपर कॉटन कैंडीज आ रही हैं। आपके साथ होता है कि आपकी दोस्तें आपको फरमाइश करती हूँ कि मैं फला जगह चलते हैं फला चीज़ खाने के लिए या फला चीज़ बनाएं या कुछ इस तरह की फरमाइश करती हैं? अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ, मेरी दोस्तें मुझसे क्या फरमाइश करती हैं, मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि हम आ रहे हैं, प्लीज़ तुम्हारे घर क्या बनाएं। क्योंकि जिस तरह आप यू आर वेरी गुड इन टू कलनरी, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत खाना थोड़ा बहुत आता है, आप जैसा नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आता है। हम एक दिन बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, हम लोग खाएंगे भी बनाएंगे भी, लेकिन इससे पहले लेते हैं ब्रेक। ही ना जाएगा हमारे साथ रहेगा, गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ आज बहुत से खूबसूरत मेरे भी दोस्त और आपस में भी वो दोस्त हैं मौजूद हैं इसी सेट के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बुलाऊँ और उनसे डिस्कस करूँ सारी चीज़ें कि पिछले साल जितने भी ब्रेकअप्स हुए हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि ब्रेकअप्स और सोशल इंटरेक्शंस कितनी ज़रूरी हैं या ब्रेकअप के बाद उन्हीं रिश्तों को वापस चेरिश करना, क्या आप उसके बाद दोस्त बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सारा गज़ैल को। शी इज़ अ म्यूजिशियन सिंगर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड ऑफ माइंड, सो आई वेलकम सारा गज़ैल। सारा तुम आए तो आया चांद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मिनीजान, तुम्हें देख के ना, गुड टू सी यू। सेम है तुम्हें देख के, वैसे ही मेरी मॉर्निंग वाज सो रिफ्रेश्ड। और थैंक यू सो मच, इतने खूबसूरत मौसम में इतने खूबसूरत लोगों से मिलने की मौका मिला और बहुत सारी चिटचैट होगी और इतना अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है दोस्ती, तो बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती बहुत जरूरी होती है, जैसे मेरी तुम्हारी दोस्ती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, और इसके अलावा अदरवाइज मैं सुबह के टाइम उठने वाली जिंस हूं ही नहीं। ये मेरी सारी दोस्तें मुझे आज मैसेज पे कह रही है तुम्हारी वजह से सुबह उठी हूं, वरना हम लोग सुबह नहीं उठ सकते, हमें ना बुलाना सुबह, सुबह ना बुलाना, शाम का कोई प्रोग्राम है दोस्ती के लिए, एनीथिंग। दैट्स वंडरफुल। और जो मेरी सेकंड फ्रेंड है वो है, एक्टर भी हैं और प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, वो हैं मोमिना बतूल। सो आई वेलकम मोमिना बतूल। मोमिना, पीछे से आवाज़ देनी पड़ती है, शायद आवाज़ नहीं आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोमिना? आई एम गुड, हाउ आर यू? लेट मी मेक सम डिफरेंट डिस्टेंस स्पेस। यार यार, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और मुझे बताओ कराची में काम कैसा चल रहा है? चल रहा है बस, लेकिन जो सर्दी यहाँ की है इतने मजे की सर्दी वो कराची में। कराची वालों को यहाँ सर्दी भी बहुत लगती है। नहीं, आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर बट मैं काम कराची में कर रही हूं। बट लेकिन कराची लाहौर आके भी सर्दी लगती होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज यू नो पंजाब का जो बंदा होता है पंजाबी पंजाबी होता है। बिल्कुल। वो आजकल जो है किन टॉपिक्स पे आजकल शोज हो रहे हैं? आजकल जो है मेरे दो शोज चल रहे हैं कराची में, वीनस एचडी पे काम कर रही हूँ मैं, और एक जो है वो पॉलिटिशियंस पे है, पॉलिटिकल बेस पे है, और दूसरा जो है वो हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन को जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, वो टिकटॉक है, वो स्नैप है, मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही थी, बिकॉज़ शी इज द वन जिसके पास बहुत गॉसिप्स है और वही गॉसिप्स एक्सट्रैक्ट करने की गॉसिप्स क्या है। बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी पीपल्स के जो सोशल मीडिया है वो लोगों को इतना फैसिनेट कर रहा है, you can't believe that, then you thought to do a program on a social people. Yes, I'm doing it. Yeah, and you won't believe that ki mere us show ki wajah se itni rating aa rahi hai us social media ka, to ab exposure ho hi bahut zyada, bahut zyada, aur youngsters jo hain like 10 years back aap socho to ab ka aur usme itna zameen aasman ka difference hai. Actually hamare jo youth hai basically jo youngsters hain wo itne energetic hain, unke andar itni energy hai और वो दिन रात एक करते हैं, इतनी मजे मजे की वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं, बहुत मजा आता है। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप इसलिए भी है कि हमें टैलेंट हंट करने की जरूरत नहीं है। yes. हम सोशल मीडिया पे बहुत से टैलेंट देख रहे हैं। अब बिल्कुल, आप अब तो अब देखे सोशल मीडिया को लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर ना भी देखें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें, तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया था वो इसीलिए क्रिएट किया गया था टिकटॉक आई गेस, कि उसमें से एक्टर्स जो हैं वो आ सके, सिंगर्स आ सके। आज हमारे पास फिल्म स्टार्स बन चुकी हैं, जन्नत मिर्जा को ही देखें। बिल्कुल, आप देखें, बहुत सारे टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम कर, बहुत सारे लोगों का करियर स्टार्ट हो चुका है। बात की तो एक एक्टर हमारे साथ अभी मौजूद है जिनसे मिलवाती हूँ, ही इज इवन अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, उनका नाम है बिलाल इकबाल, और जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, मट कराची में भी काम करते हैं, लाहौर में भी काम करते हैं, उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। जी बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपका जो कलर है वो सो रिफ्रेशिंग। मेरा कलर या जैकेट का कलर? इट रिमाइंड्स मी द कलर यू बीन वेयरिंग, इट रिमाइंड्स मी ऑफ समर्स बट इट विंटर्स बट इट्स पॉपिंग आउट। चलें, थैंक यू सो मच, और विंटर का हमें यही बेस्ट होता है कि हम हर कलर पहन सके। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त सेट है आपका और माशाल्लाह से शो बहुत अच्छा जा रहा है, आप लग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देने आई थी लेकिन आपको देख के मैं भूल ही गई क्योंकि आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत अच्छा करा बाय द वे। थैंक यू सो मच, ये मेरी तारीफ। हम लोग बात करेंगे दोस्ती पे, सिर्फ एक और गेस्ट हमारे साथ है। गेस्ट क्या है, मेरे दिल की कितना धड़कन है,
मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा हुआ है. तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट ज़ारा नवाज, हु इज एन एजुकेशनिस्ट एंड प्लस अ मेकअप आर्टिस्ट. सो ज़ारा किधर है? ज़ारा ये ज़ारा यहाँ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है? डायरेक्शन दे रही हूँ. नहीं नहीं, ये तो एक मैजिक हो गया कि आवाज़ें वहाँ से आ रही थी लेकिन आप आ गए. मैं कह रही हूँ ज़ारा कहीं छुप के बैठी हुई कि मुझे डर लग रहा है आने में, मैं कैमरे के आगे नहीं आऊंगी क्योंकि इसको लेकर आना बहुत मुश्किल काम है. अच्छा वैसे सही कह रही है, घर से भी लाना मुश्किल काम था, एड्रेस ही नहीं मिल रहा. वो मुझे पता है ये भी हम बताएंगे. इस बात से ये पता चलता है कि ये पिक करने गए थे. सारा रास्ता खामोशी से ही वो गुजरा है. मैंने कहा पता नहीं शायद वो बताया आपको रीजन. नहीं कोई बात, आप लोग आए थोड़ा लेट हो गए, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है. मैं हूँ ना इधर. लेट आए दुरुस्त आए ना. और टाइम पे आए, चीजें चलती हैं. बिल्कुल. तो अब हम लोग अपना गपशप करते रहेंगे दोस्ती के ऊपर. आज हमारा टॉपिक है और वो लोग जो कि हमारे साथ नहीं है, जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे. इधर लेंगे हम ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. गुड मॉर्निंग धनक.
इंस्पिरेशन है कि अली सेठी पसंद है? वन ऑफ माय फेवरेट और ये तो ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग है, डेफिनेटली सारी दुनिया गा रही, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मी। मेरी लाइक माय डॉटर इज 6 इयर्स ओल्ड, she knows every single word of this song. Yes, exactly. Basically, it's globally hit song. Very अच्छा, इसकी wording इतनी आसान नहीं है, लेकिन इसकी जो ट्यून है ना, इसकी जो एक वाइब है, जो एक फील है, वो बड़ी मजे की है। और हर लेवल जो एज का है ना, उसको सबको, इवन इस गाने को इंटरनेशनली लोग रिमेक भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स ने भी गाना। बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम सुन रहे थे ना, हमें ऐसा लग रहा था कि ये गाना आपने ही और होता है ना कुछ ट्रैक्स होते हैं जो आपको पर्सनली हमेशा से अच्छे लगते हैं। अच्छा मुझे तो आप ये बताए ना, इतनी लड़कियों में अब्दुल्ला दीवाना क्या देख ले, अब्दुल्ला दीवाना क्या आप दीवाने? अब्दुल्ला हुआ था तो मैं हुआ। अच्छा। ये अब्दुल्ला है जो हर एक की शादी में दीवाना हो जाता है। गाने ब्याह में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही वाला अब्दुल्ला है। देख ले अब मैं अकेला लड़का हूँ, सब लड़कियां। अच्छा सब लड़कियां, लेकिन ओपिनियन अब मेरे पास दो आएंगे, एक तरफ फीमेल्स का, एक तरफ एक मेल का। लेकिन आपका एक ओपिनियन सारी फीमेल्स पे भारी होना चाहिए। चले देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन मुझे लगता है होने नहीं देंगी आप लोग। नहीं आप हो ना, आप जिस तरह आए हैं ना ये करके, मेरा है ना कॉन्फिडेंट है ना कि अभी पता है कि हमने क्या बातें करनी है, लेकिन इतने वो कितने पुरअज़म तरीके से बैठे। लेकिन अब आप डरा रही हैं, पता है कि क्या बातें करनी, क्या करनी है वैसे। हम लोग आपको पता है हमारा आज टॉपिक है दोस्ती, दोस्ती मुझे भी सारा ने कहा कि आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा, मैं मोनोलॉग अभी कर रही थी, उसके बाद सारा कहती है आई लव योर टॉपिक, बिकॉज आई थॉट कि एवरीबॉडी कैन रिलेट। हाँ बिकॉज ये दोस्ती ऐसी होती है ना कि जो कहती है ना कि किसी भी फायदे और नुकसान को नहीं देखती। बेजरर रिश्ता, हाँ बेजरर रिश्ता होता है ये, और ये ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें आप मेरे फॉर मी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप दोस्ती का जो मैं हर जगह पे जहाँ भी बैठती हूँ अपने दोस्तों में सब में मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी का एसेट है दोस्ती। आफ्टर योर पेरेंट्स दे आर योर एसेट्स ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली ये एक वाहिद ऐसा रिश्ता है इस दुनिया में कि जो आप खुद बनाते हैं, मतलब बाकी रिश्ते तो हमें बने बनाए हैं पेरेंट्स का भी, लेकिन सच्चे जो रिश्ते दोस्ती के होते हैं वो ब्लेसिंग के साथ। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि ये एक वाहिद रिश्ता है जो आपने कॉल भी सुनाया है ना थोड़ी देर पहले हजरत अली का कि सच्चे दोस्त जो है वो किस्मत नसीब से मिलते हैं, तो ये ब्लेसिंग होती है। सच्चे दोस्त मिलना भी बड़ा मुश्किल, बिल्कुल बिल्कुल है जिसका कोई दोस्त नहीं है, बिल्कुल ये कॉल है वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। और कहते हैं ना कि योर एसेट आर योर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अच्छा, लेकिन ये नहीं होता कि आजकल ए मतलब कि आप कुछ करो ना दोस्त बन जाए, आपको उतना ही गिव एंड टेक है दोस्ती में, दोस्ती में उतना ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जिनको दोस्ती का मतलब पता होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि दोस्ती सिर्फ हमें लेना है, हाँ। देना नहीं। ये तो अंदर की बात की है, क्या किसने गिफ्ट दिए थे? ओह गॉड क्या पॉइंट पकड़ा है, बट आई थिंक दैट अभी हम कह रहे हैं ना किसे लेने, मुझे समझ आ गया गिफ्ट किसने लिए थे। काफी लोग यही सोचते हैं कि लेना, और लोग ये इस बात को अपना हक समझते हैं, बट वो ये नहीं, सॉरी वो होता ही है कि वो आपको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट आई जस्ट थॉट आप जैसे हो आपको वैसा इंसान मिलता है। आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, कपड़े एक जैसे, फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे, ए लाइक माइंडेड पीपल आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा से कहा जाता मिल जाता है आपको आपके जैसा। मुझे आपकी बात दिल पे लग गई है, आपकी बात के बारे में बात करूंगी। बोला था यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा अच्छा हम सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए, गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज आपको अभी हमने पाउचेस दिखाए, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, मगर हमें निर्माण ने ज्वाइन किया है और निर्माण इज ए इन्फ्लुएंसर। इसके अलावा मेरे साथ महक अवान खड़ी हुई है जो कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी है, और यहाँ खड़े में वन एंड ओनली बिलाल साहब। थैंक यू। तो बिलाल की कड़ी नजर पाउच पे पड़ी हुई कि मैं देखूंगा कि आज कौन सी लड़की कितना। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ ये क्या पाउच है, और मुझे पता क्या लग रहा है, पहले तो आप मुझे बताएं कि किस लिए रखे हैं हमने पाउच यहाँ पे। ये क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंट ऑन द माउथ। तो उसके लिए फिर सही, लेकिन उसके लिए फिर सही वाले पाउच मंगवाती ना, ये तो खाली इनका टचअप है। लेकिन मैं मेकअप रूम में देखता हूँ ना, इतने बड़े बड़े लैगेज होते हैं। इनसे बच के खत्म करते हैं। इनके सामने पड़े हुए हैं चार पाउच। अब ये गेम क्या है, हर कंटेस्टेंट और उर्फ मेरी दोस्त अपना पाउच उठाएगी और बताएगी कि वो कितना मेकअप यूज करती है और उस पाउच में है क्या। बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसे वाकई सही बात है यार, सारे राज खुल जाएंगे। सबसे सीट पे आना है तो बैक कैमरा शो कर सके कि किसके पाउच में क्या है। ओके सारे मेकअप सीक्रेट्स भी रिवील होंगे, और भी कोई सीक्रेट्स हैं वो भी रिवील हो जाएंगे। मेकअप पाउच में मिले सबसे पहले पॉजिटिव भी है ना, इसे आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं इसको माइंड क्यों करना है, मेकअप बना ही। ये देखो ना सारा, ये ना वेरी गुड, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वेरी गुड। आज मैं मास्टर उठे रहे, बिल्कुल आप पे बहुत प्यार आ रहा है मुझे। आज मेरे सारे राज जो हैं वो सब लोग जान जाएंगे एंड देखते हैं कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास 10 मिनट हो और आपने किसी फंक्शन पे जाना हो तो व्हाट विल बी द यू नो इजीएस्ट वे टू गेट योरसेल्फ। बहुत 10 मिनट तो बहुत है, एक एक करके की चीज निकाल के दिखा। ये मैंने नेल पॉलिश अभी लगाई है, ठीक है। ये इतनी जल्दी लग जाती है, जल्दी जल्दी नहीं नहीं टाइम लगता। ये मेरा वो है कंटूर ब्रश, और ये कुछ पेंसिल्स है, लिप पेंसिल्स है। ये मेरा जो है वो बेस ब्रश है, बेस ब्रश है। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है जो हमेशा मेरे पाउच में। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कलर है ना, अच्छा लग रहा है, मुझे पता था। और ये मेरी बेस है फिट मी की, ये मैं यूज करती हूँ, और ये मैट है, और ये बहुत मजे का इसका रिजल्ट आता है। मजे का क्या मतलब, टेस्ट अच्छा है। मतलब लेडीज के साथ इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है। अब तो माशा मर्द हजरात भी मेकअप टचिंग करते हैं, और बिल्कुल ये मैंने इसीलिए बात कही थी कि ये करता है और ये बंदा करता है। चांद रात पे लड़कियों से ज्यादा ना लड़कों के सैलून। अरे मैं क्या बताऊं, यहां तक ब्लीच भी होती है यार इनके। लड़कियां तो वैसे बदनाम है मेकअप करके। नहीं खैर वैसे नहीं है, हैं लेकिन लड़के भी करते हैं। ये मेरा ब्लश एंड ब्रश है, और जो मेरा पाउच है वो बहुत ही जख्मी है। यहाँ से पता चल सकता है कि मैं काम पे ज्यादा फोकस करती हूं। पैलेट्स कहां है वो भी दिखाएं, कौन सा कलर आपने यूज किया है। और सबसे पहले कि जल्दी मैं आप क्या क्या, सबसे पहले अगर आपको लिपस्टिक लगा के जाना मैं हो या क्या करें, मस्कारा। ये मेरी लिपस्टिक नीचे गिर गई है, सिर्फ मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ बस। और एक मेरा कंसीलर है मुन्नू सा, बस ये इस्तेमाल करके ये लगा के और बस। आप ऐसा तैयार हो गई हैं? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं तैयार, इसमें तो 2 घंटे लगे हैं, इसमें तो 2 घंटे लगे हैं। बता दें मतलब आपने बोला 10 मिनट में, 10 मिनट में मैं सिर्फ ये दो चीजें इस्तेमाल करती हूं, ठीक है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सारा नाउ इट्स योर सीक्रेट रिवीलिंग टाइम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम मेकअप करती हूं। मैं तो डिटेल में बताऊंगी क्योंकि आई एम एन मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। ये नहीं पता था हमें, ये निकले ना यहाँ से मल्टीटास्किंग, खुफिया मेकअप। नहीं खुफिया नहीं है, सब सबको पता है क्या है। ओके बस जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये निकला मेकअप। ओके बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ। ओके अच्छा तो ये कैसे होता है कि आपकी स्किन टोन के साथ अच्छा लगेगा? स्किन टोन बहुत मैटर करता है। अब मेरा जो टोन है वो फेयर है, मैं अपनी जो मेरा फाउंडेशन है वो मैं फेयर यूज करती हूँ, और जो मेरा कॉम्पैक्ट है वो मैं डार्क यूज करती हूँ, ठीक है। मतलब अगर 10 मिनट्स की जो आपने बात की है ना, 10 मिनट्स में मैं तैयार, मुझे 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में। मैंने ये किया इसके बाद अपने आप को सब फेस को ड्राई किया, जस्ट ब्लश ऑन किया, और ये एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर है अनस्ताशिया का, ये मैं यूज़ करती हूँ। और आईलैशेस लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आईलैशेस भर के अपना मस्कारा किया, और ये मेरे बहुत पेट फेवरेट कलर्स हैं, मैक का मेहर और ये रूबी कलर है।
मेरी जिंदगी में सिर्फ दो कलर्स हैं, या तो न्यूट कलर लगाती हूँ या डायरेक्ट रेड कलर लगाती हूँ, अदरवाइज और कोई कलर नहीं। और आज सबके पाउचेस देख रहे हैं और बताएंगे किसका पाउच पसंद आया है। मैंने अपना न्यूट कलर लगाया हुआ है, बस ये 10 मिनट की तैयारी में इतना ही होता है, इतना और ज्यादा नहीं, ये बहुत है 10 मिनट की तैयारी में, नाम की हुई है लड़कियों को। में सिर्फ दो चीजें थी, पॉइंट ऑफ नोटेड, स्टार्ट में इन्होंने कहा था सिर्फ बेसिक चीजें, और मैं वही देख रहा था, बेसिक है, 7-8 चीजें थी, सिर्फ फाउंडेशन है, मस्कारा और ब्लश। वेरी नाइस, नाउ वी हैव ज़ारा, फिर हम निर्माण के पास जाएंगे। Very nice, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पाउच था आपका। अच्छा ये आपका पाउच है? आपका पाउच है? सारा का पाउच, एक सारा, सारा आपका पाउच कितना प्यारा। सारा मैं जब से देख रहा था इतना गोल्डन, किस चीज का पाउच है? पहले ये बताया किस ड्रेस के साथ का है आपके? ये ऐसे पाउच शादी कोई वेडिंग का कोई लहंगा कोई करा, ये पाउच डबल यूज होता है एज अ क्लच भी। किस्मत खराब जो मैं आज ले आई। नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत प्यारा और शाइनी सा लग रहा है, है ना? प्लीज कुछ निकालो, निकालो सारा, जल्दी से निकालो सारा। अच्छा भाई मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरा ख्याल बोल सब यही रहे वैसे भाई, तो उस हिसाब से तुम सोच के आई थी। व्हाट गया है, व्हाट व्हाट आई यूज यूजुअली गोइंग फॉर माय वर्क, I use निकाल के दिखाओ ना, use use कर रही हो, दिखाओ दिखाओ। Yeah, I use my I first I use a sunblock of very nice. Then I use my BB cream. लवाजमात पूरे हैं सारे, लवाजमात में पूरे लिखे आई हूं, वो 10 मिनट के दिखा, मेरे पास सिर्फ निकाल के रखो ना। हां ऑनेस्ट, आई निकाल निकाल, दिस इज आई शेड, ठीक है, दैट्स माय, कभी-कभी इतने ऑनेस्ट होते हैं लोगों को, अजम निकाल के रखो ताकि पता लगे, पता लगे कि 10 मिनट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हम लोग छुपा छुपाई करें, मैंने छुपाया कुछ नहीं, मैंने बता दिया था सीक्रेट रील। अच्छा खैर, दिस इज द मस्कारा दैट आई यूज। इसके बाद सबको एक एक वाइप मिलेगा मेकअप साफ करने के लिए। ये सब जा रहे हैं शो छोड़ के, इसके बारे में बिल्कुल बात, उसके बाद पता लगेगा ये मेकअप यही यूज हुआ था कि घर वाला हुआ था। नहीं नहीं अभी कर लो। अच्छा एनीवेज, आई हैव माय हाइलाइटर, आई हैव माय ब्लश ऑन, आई हैव माय कंटूर, इट्स अ हेल ऑफ अ मेकअप, आई हैव एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट। नो नो, इट्स अ माइनर थिंग्स, आई गेस इट्स अ माइनर थिंग्स। आप वाइव्स मंगवाएंगे तो 112 निर्माण 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 ओके ओके, जल्दी से क्विक मेकअप बताओ हमें, क्योंकि हमारा ब्रेक का टाइम होने वाला है। अच्छा जो भी बैठता है वो ऐसा लगता है कि बस अभी उठ जाएगा, वो कह रहे हैं हम बेसिक दिखा रहे हैं, उठते ही नहीं है, फिर उठाना पड़ता है हमें, प्लीज नेक्स्ट है। जल्दी 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 मेरे पास ओपन योर मेकअप पाउच। अच्छा आप बेसिक कहेंगी या सही बताएंगी आप भी? वैसे मैं करती हूं बहुत कम मेकअप, वो हम नजर आ रहा है बिल्कुल कोई ये कहे। अच्छा सो आई थिंक सबसे पहले मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉइस्चराइजर अगर आप ना करो अपनी स्किन को तो बहुत बैड सीन होता है, बिकॉज आप जितना मॉइस्चराइज करो उतना अच्छे तरीके से आपका फ्रेशली स्मूथ मेकअप होता है। ये इन्फ्लुएंसर बता रही है क्योंकि इन्होंने 10 मिनट में वीडियो बनानी होती है, ट्रांजिशन वीडियो, तो इनके लिए तो मेकअप वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर इनकी तो प्रैक्टिस होगी ना। यस, तो सबसे पहले आई थिंक मॉइस्चराइजर, देन आई क्विकली डू माय मेकअप, मतलब थोड़ा सा मैं पाउडर लगा लेती हूँ, फिर आईब्रोज बनानी जरूरी थी क्योंकि पाउडर लगा के छुप जाती है, फिर ब्लश ऑन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट मस्कारा, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो, लिपस्टिक थोड़ी सी बस। Okay, आज बहुत अच्छा आपके मेकअप पाउचेस लगे हैं, बड़े प्यारे मेकअप पाउचेस थे जी, सबके मेकअप पाउचेस हो गए। अब मेरे पास जो है हिना का पाउच है, तो अब हम इनसे मेरा वैनिटी है, इसका फैसला हम करेंगे ब्रेक के बाद, और वो भी और हम ये जरूर वो भी मिलाल करेंगे इसका फैसला। यहाँ जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम अपने किचन में अपनी होनहार शेफ के साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही मज़ेदार से, मुझे दूर से लग रहे से पकोड़े हैं, मैंने पास जाके देखे तो फिश निकली, और फिश इस मौसम में फिश ऐसे जैसे आपको ट्रीट है, भी ट्रीट है, और सुबह सुबह हमें फिश के हाथ से दिए हुए हैं ना।
इतना मुश्किल होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। और इतनी धुंध में पहुंचना काम पे, और काम पे तैयार होकर पहुंचना, और फिर आगे आपको चिप्स मिल, फिश एंड चिप्स मिल जाए, और कोई आपको इतनी मेहनत से कोई बनाए और कोई आपको कह दे कि आपने पकौड़े बनाए, तो आप सोचेंगे मेरी क्या हालत है इस वक्त, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, दिल पे मेरा दिल कर रहा है वही दिल निकाल के फ्राई कर दो। मेरा बिल्कुल मतलब बेटा आपका दिल तोड़ने का, मगर वो कहते ना दूर से ऐसा लग रहा था, नई नई दोस्ती में ऐसी जो पटाखे है ना कुछ और एक फिश एंड चिप्स भी आपको लंदन याद आ जाते हैं, लंदन यूरोप एनी वे यू ट्रेवल फिश एंड चिप्स वन ऑफ द फेवरेट डिश, ब्रिटिश जो है उसके साथ रिलेट किया जाता है, इंग्लिश फिश एंड चिप्स भी कहा जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप जाएं और फिश एंड चिप्स एंजॉय ना करें ना लंदन से, तो बड़े अनलकी हैं आप। फिश एंड चिप्स क्यों नहीं आप बना सकते जी इस मौसम में, जब मौसम हमारा जो है इतना प्यारा हुआ है, तो हम वैसे खाने भी इंजॉय कर सकते हैं, और बोनलेस फिश एंड चिप्स है और बनाइए। अच्छा, मैंने आप टेस्ट करें, मुझे ये बताएं, बिल्कुल मैं टेस्ट करूंगी, मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स को भी इसकी थोड़ी सी रेसिपी बताएं कि जिन जो कांटे के बगैर मछली घर में फ्राई करते हैं तो वो क्या यूज़ करें। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है कि फिश जो बोनलेस फिश बनाई जाती है वो फिंगर फिश बना ली जाती है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा बिस्किट्स की शेप में, ये फिले लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल बिस्किट शेप्स में काट लें, मतलब बिस्किट के साइज में काट लें, उसके ऊपर आप मैरिनेट कर लें जो भी मछली लें आप, हिना उसको थोड़ा सा नमक लगा के और लेमन जूस लगा के अगर आप सबसे पहले रखते हैं किसी ऐसी जाली के अंदर जिसके नीचे आप कोई बाउल रखते हैं ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए, और जो नमक और लेमन जूस है वो उसके अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मैंने किया था, बोनलेस फिश ली थी, उसके क्यूब्स काट लिए, मतलब बिस्किट साइज में काट लिया था, उसको मैंने लेमन जूस लगाया था और साथ में नमक लगा के मैंने उसको एक छाननी में डाल दिया था, उसके नीचे बाउल रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और नमक और जो उसके अंदर लेमन जूस है वो अच्छी तरह जो है जज्ब हो जाए। उसके बाद मैरिनेट जो आपने इंग्लिश फिश एंड चिप्स के लिए करना है, मस्टर्ड सॉस लेनी है आपने, ठीक है, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही सादा। जिनके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है उनके लिए मस्टर्ड पाउडर ले लें, पाउडर ले लें, मस्टर्ड पाउडर ले लें, सही है। और उसके साथ जो है आपने मैरिनेट करके इसको रख देना है, साथ में आपने लेना है मैदा, ठीक है, अंडे, मैदा। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो उनका चिपकता नहीं है, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? अंडा साथ में इस्तेमाल करना है आपने, अंडे का और मैदे का एक चम्मच सिर्फ उसके अंदर जो है आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लें, लेकिन कॉर्नफ्लोर के अलावा अगर आप खाली मैदा भी ऐड करेंगे तो उसके साथ भी बैटर बहुत प्यारा बनता है। अंडे को और मैदे को आपने अच्छे से जो है फेंट लेना है, उसका थिक सा बैटर बना लेना है, जो आपने मैरिनेट की हुई फिश है उसको कोट करें उस बैटर के अंदर, उसको ब्रेड क्रम्स लेके उसके ऊपर उसके साथ जो है कोट कर लें, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जी फिश एंड चिप्स की। और उसके बाद जो है जो फिश है वो बाहर पोर हो रही है, वो इतनी मैरिनेटेड है। अच्छा, ये कौन सी सॉस है? अच्छा, ये टॉटर सॉस है, और टॉटर सॉस के लिए आपने करना ये है, मायोनीस ले लें आप, उसके साथ जो है पिकल्स जो होते हैं, पिकल्स जिसके अंदर गरकिन, नॉर्मली खीरा एक छोटा सा सिरके में मिल जाता है आपको, गरकिन से ऐड कर सकते हैं फाइनली चॉप करके, उसके साथ आप पार्सले ऐड कर लें, लेमन जूस ऐड कर लें, जो सिंपल सबसे सिंपल टाटर सॉस है, और मैंने बिल्कुल सिंपल सी टाटर सॉस बनाई है, कोई से भी पिकल आप ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हैं, और फिश एंड चिप्स के साथ लाजमी है कि आपने टाटर सॉस जो है वो लाजमी सर्व करनी है। टाटर सॉस, अच्छा टाटर सॉस में थोड़ा सा मैंने देखा रेड भी होता है, रेडनेस भी होता है, कैरेट पिकल कैरेट ही ऐड किया जाता है इसमें भी, पिकल कैरेट और ककम्बर, कैरेट जो है ककम्बर जो है वो मैंने फाइन चॉप करके पार्सले के साथ ऐड किया, लेमन जूस है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, ये तैयार है सारा कुछ, मैं सर्व कर सकती हूँ? मेरे सारे फ्रेंड्स की नजरें इधर ही हैं कि कब ये फिश आएगी और कब वो खाएंगे। बिल्कुल, और इसके बाद नजरों के साथ साथ हमारे हाथ भी इंतजार कर रहे हैं, कब हमारे हाथ, हम भी हाथ हाथ इंतजार कर रहे हैं। ये ले, मैं हेल्प यू, बिल्कुल आप है ना? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया ना कि लंदन का वेदर एंड फिश एंड चिप्स, तो क्या बात है, फिश एंड चिप्स यू नो वहाँ वहाँ भी बहुत है, तो यहाँ लाहौर में भी यू नो मछली का बहुत, इवन कराची में तो लोग बहुत खाते हैं सी फूड। बस मेरे साथ एक बैठी है वो नहीं खाती, बाकी सब खाते हैं। अभी अभी उन्होंने बताया कि वो सब खाती हैं, लेकिन थोड़े से हाथ से ले लें या थोड़ा फोक से कट करके बीच में, बिल्कुल वो आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और ट्राई करके बताएं कैसे बने। मेरा सीक्रेट रिवील हो रहा है, ट्राई करें सारे, आ जाए ट्राई करें।
मैं देता हूँ सबको, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये सारे लग के डाइट है, डाइट नहीं है, मैं एक्चुअली फिश खाती ही नहीं हूँ। यूजुअली ऐसा लड़कियाँ करती हैं। अच्छा फिश ये नहीं है, ये है। अच्छा इस तरह कर रहे हैं ये, देखे ना आप, देखे लड़का है ना, तो क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला इज सर्विंग, वो कहते हैं ना वो वन ऑड इन। ओके बिल्कुल लूंगी, ट्राई करूंगी और हुमा को बताऊंगी हुमा ने कैसा बिल्कुल कैसी फिश बनाई है। महक नहीं लोगे? वैसे इसके साथ सॉस भी अगर चाहिए हो किसी को, शायद शायद बैठे, ये भी मैंने क्या हुआ फिश खाने से मोटा नहीं होता, खावन बनेंगे। हाँ, देख ले बस ऑनियर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा कुछ लोगों को ना फिश से एलर्जी भी होती है क्योंकि फिश में ये हुमा बता सकते हैं, हुमा हर फिश खा सकते हैं हम, सब फिश खा सकते हैं? हर फिश खा सकते हैं आप, लेकिन कुछ नॉर्मली ये कहा जाता है हमारे यहाँ की जो फिश है उसके बाद दूध नहीं पीना आपने, दूध से बनी हुई चीज जो डायरेक्टली दूध से बनी हुई चीज है जिसके अंदर दूध का असर ज्यादा है, जिस तरह कह ले दूध जलेबियां होगी, दूध सवैयां होगी, सारे बताओ अपना खीर होगी जिसके अभी हमने चाय पी उसका क्या असर? नहीं चाय में असर पत्ती डाल ली आपने इसके अंदर, एक्चुअली हमने पहले पी है ना, पी है। हाँ। नहीं दैट्स अमेजिंग, और इतना क्रम्ड है, इतना बैटर इसका वो है, यम्मी, अदरवाइज I have no words. अच्छा एक मजे की बात और होती है कि हमारे घर में जब भी फिश बनती है ना अक्सर हम हो गए और सब वो कहते नहीं फिश नहीं खा रहे क्योंकि फिर दूध पियेंगे तो स्किन, और हमारी अम्मियों का एक ही जवाब होता है नहीं ये वो वाली फिश नहीं है। नहीं वो एक स्पेसिफिक फिश होती है और आप देखें इसकी मैरिनेशन में यूजुअली सम टाइम योगर्ट भी आप मैरिनेट करते हैं, तो मैं तो नहीं इस बात पे बिलीव करती कि दूध और दही वाला कोई कॉन्सेप्ट है, वो एक खास फिश होती है, इट्स अ मिथ। हां मिथ है बिल्कुल, वो खास कोई डॉक्टर एक्सपर्ट है तो बता बेहतर सकता है, लेकिन मगर कहते हैं ये मिथ होती है। फिश के साथ क्या लोग चाय नहीं पीते? अक्सर लोग पीते हैं चाय, पीते हैं बिल्कुल, पीते हैं बिल्कुल। कैन टेल अस बताया उन्होंने कि मछली का जो सालन है स्पेशली जो हमारे यहां नॉर्मली उनको क्या कहते हैं खग्गे, नहीं रहू का सालन सबसे ज्यादा बनाया जाता है और उसके अंदर मसाले के साथ जो है दही लाजमी है कि दम पे आपने दही डाल के दम पे लगा देना है। और आज लेकिन ये है कि उसमें भी दही के दूध जो है उसका असर इनफैक्ट वैसे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सपर्ट जो है वो हमें गाइड कर सकता है, लेकिन वाकई ये बात बिल्कुल बिलाल ठीक है कि अम्मियां हमेशा ये कहती हैं कि ये वो वाली वो फिश नहीं है, ये बिल्कुल वो नहीं है, वो खास फिश होती है। बिल्कुल मैंने बचपन से मैं भी ढूंढ रही हूँ अभी तक अभी मिल जाए, क्योंकि मैंने बचपन से फिश खाई और आज तक वो फिश मेरे पास आई नहीं। लेकिन आजकल के मौसम में ना ये हमारे घरों में बहुत सारा पंजाब में तो यूजली बहुत बनता है ये इसी फिश का शोरबा और बहुत खग्गे कहते हैं पंजाबी में, इनको खग्गे कहते हैं पंजाबी में, खग्गे कहते हैं खग्गे एक फिश का सालन को खग्गे, उसके सर का जो सालन बनता है ना वो खग्गे कहते हैं। बस नेक्स्ट टाइम खग्गे बनाना कराची वाले की पाए को जो कराची एक मैं बाप जाना चाहती हूँ, कराची वाले कहते हैं आपने कदम पकाए हैं पाए को और कहते हैं फिश हेड बना दे। लेकिन सबसे ज्यादा मछली की जो ताकत है उसकी स्किन और उसके सर में ही होती है, इसी तरह जिस तरह शिम है जितने भी सी फूड सूप्स हैं उनका जो छिलका होता है उसकी यखनी बना के उसके अंदर यूज किया जाता है। सही, और इसी तरह जो ये फिश ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं हमें वो भी जो सर होता है मछली का उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राइट, थैंक यू सो मच हुमा फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड वंडरफुल फिश, वी लव इट। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए, गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ हमारी प्यारी प्यारी दोस्तें और एक दोस्त भी हैं। वो प्यारे नहीं हैं। नहीं, वो भी बहुत प्यारे okay, thank you. हर इंसान बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है, मगर पिछले साल जितनी हमने देखी डिवोर्स रेट देखी है पाकिस्तान में और बहुत और ऐसे ग्लैमरस पर्सनालिटीज़ और सोशल मीडिया पे जिनका बहुत नाम था
और एक मकाम रखते हैं उनका कुछ कुछ ऐसा होता है ना तो पूरी दुनिया ऐसी अफसुरदा हो जाती है. आई वॉज रीडिंग अबाउट द कमेंट्स ऑन यू नो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि लोग कितने दिल कितना दिल हार के बैठे हुए थे. तो आम मतलब लोग होते हैं ना जो टीवी के उस तरफ होते हैं वो लोग जो होते हैं उनके फेवरेट स्टार्स होते हैं यू नो वो उनको देखते हैं फैन फॉलोइंग है उनके फैंस होते हैं ऑब्वियसली फिर वो हर्ट होते हैं और ब्रेकअप्स बहुत हुए हैं. अच्छा सना नवाज और फखर जाफरी जो थे तो उनका जब मैंने सुना क्योंकि उनकी शादी के भी कपड़े मैंने बनाए थे और मैं उनको पर्सनली भी काफ़ी मेरी इंटरेक्शन थी तो मुझे एकदम से हुआ कि आफ्टर 15 इयर्स व्हाट हैपेंड. बिल्कुल वेरी लॉन्ग टाइम आपकी उम्र का एक हिस्सा होता है किसी के साथ आपने 15 साल कहना आसान है मतलब एक दो साल गुजर जाए तो बंदा पता नहीं कहाँ पीछे पहुँच जाता है 15 साल. और दूसरी बात ये कि हम जैसे डेफिनेटली इतना बड़ा नाम है इनका हम इनको जैसे देख रहे होते हैं फॉलो कर रहे होते हैं सब चीज़ों में मतलब इन 15 इयर्स में इनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी राइट. बिल्कुल जिस तरीके से इनकी बॉन्डिंग थी दोनों की और अक्सर मैं लाइक जब कराची ये लोग आते हैं तो अक्सर बहुत सारी पार्टीज में भी हम एक साथ होते हैं तो बहुत दोनों का प्यार था सब चीज़ें थी लेकिन सडनली एकदम से ये सब चीज़ हो जाए तो डेफिनेटली सरप्राइज रहते हैं और साथ साथ फिर ये भी रहता है कि आपको पता ही नहीं है लाइफ का ऑन स्क्रीन और चीज होती है ऑफ स्क्रीन और चीज होती है पर्सनल लाइफ में किसी के भी क्या चल रहा है नोबडी नोज अबाउट दिस. आप कभी भी किसी को अपना वो नहीं दिखा सकते हो आपने एक अपना कि वो अच्छा गुड इमेज रखना है एवरीवन हैव देयर स्पेशली फॉर द सेलिब्रिटीज आई बिलीव कि उन्होंने सब कुछ गुडी गुड रखा यस बट बिहाइंड द डोर्स व्हाट्स हैपनिंग वी हैव नो आईडिया. बट आई आल्सो थिंक दैट फॉर एग्जांपल समटाइम्स पीपल आर वेरी गुड पीपल बट देयर जस्ट नॉट मेंट टू बी टुगेदर बिकॉज़ यू नो आप हमेशा नहीं करते कि ब्रेकअप हो रहा है तो एक बंदा जरूर बुरा होगा ये भी हो सकता है कि दोनों बहुत अच्छे हों जस्ट दैट दे जस्ट कांट बी टुगेदर और दे कैन जस्ट कांट ग्रो टुगेदर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर ये चीज. अच्छा इसके अलावा वी नो अबाउट सजल एंड अहद रजा मीर माय फेवरेट. अच्छा योर माय फॉरएवर फेवरेट. अब वो ज्यादा आई थिंक अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं ऐसा क्यों है. मोस्टली यहां पे वैसे है कि ब्रेकअप होने के बाद ज्यादा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो जाती है. That I was thinking. और जितने भी ब्रेकअप्स आप उठा के देख लें अभी सबके नाम रिवील होंगे और सब में आप एक चीज देखेंगे कि उनकी दे आर वर्किंग टुगेदर अगेन. सायरा एंड शिरोज सब्जवारी उनकी एक मूवी आ रही है फरहान और उर्वा दे बीन सेपरेटेड सिंस 2 इयर्स उनकी मूवी आ रही है और उनके बहुत अच्छे शूट्स भी आए हैं. अब ये रिवील करना मुश्किल था कि ये इनका ब्रेकअप हो चुका है इकट्ठे हैं. बट आई जस्ट थॉट कि जब रिलेशनशिप्स में होता है बंदा तो बहुत सारी एक दूसरे के लिए ना ऑब्वियसली फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे को बाउंड करने की कोशिश में ना वो फिर रिलेशन जो है वो चल नहीं पाता टॉक्सिक हो जाता है. और बिल्कुल और मुझे ये लगता है कि रिलेशन के बाद ना अब डे बाय डे अब इतनी अवेयरनेस हर चीज़ की लोगों को आ गई है कि वो कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे को मतलब जैसे हम पहले देखते थे कि ब्रेकअप के बाद तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से नहीं कभी मिलना कभी बात करना बट अब मैं खुद भी जैसे आप भी यही हमारा कहना भी यही कि लोग अब बाद में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हुई हुई होती है. ऑब्वियसली बगैर कि हम अगर एक्टिंग करें कुछ भी करें आप जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री ना हो तो आप नहीं कर सकते. बट इसको एक प्लस पॉइंट के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उसके बाद आप काम करना नहीं छोड़ते ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है. ठीक है एक चीज़ नहीं चल सके साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करें. तो इसका मतलब ये है कि लोग डिप्रेशन में नहीं जा रहे दे आर लुक फॉरवर्ड. माइक ऊपर करके बताओ तो आप सेपरेट हो जाए ताकि आप अच्छा काम कर सके तो ये बेटर वे होता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट देयर एक्चुअली मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इवन प्रोफेशनल रिलेशंस में अगर ब्रेकअप हो भी गया बट एटलीस्ट लाइक दे हैव देयर रिस्पेक्ट एंड दे आर लाइक यू नो ट्राइंग टू फाइंड वेज टू वर्क टुगेदर. अच्छा अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें एवरीवन नोज अबाउट देम शहर हयात और खान सैफ का एक वायरल हुआ था उन्होंने पूरी एंगेजमेंट उनकी एंगेजमेंट भी हुई थी. हाँ किसी को कुछ पता है क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी जी. पहले एंगेजमेंट हुई थी सैफ खान से और उससे पहले उसका सैफ अली से रिलेशनशिप था लेकिन दोनों नहीं वो मूव ऑन हो सके. नहीं वो अली था पहले जो था वो सिर्फ अली था उसके बाद वो सैफ जो था एंगेजमेंट हुई थी लेकिन अब माशाल्लाह से नाउ शी इज मैरिड और निकाह में है वो समी खान वहाँ है. और कोई बात नहीं ब्रेकअप्स हो जाते हैं बट मुझे लगता है मूव ऑन होना आसान हो गया. लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि भाई एक इंसान के आई पर्सनली बिलीव के वंस यू हैव दैट ब्रेकअप राइट यू नीड थेरेपी
for healing, you absolutely need someone you can talk to. It could be your friend, it could be a professional help that you need. Lekin uske bagair andar tak jab tak aap andar se heal up nahi hote ho na, you cannot move. But I just thought ki after that aapko na khud ko time dena chahiye. Toot jaate hain. To jo therapy hoti hai ya aapke sath, aap dekho friends ke sath bhi jab aap baithte ho na to aapki bahut sari jab vent out kar lete. Aapka mind kahin aur hota hai. To mera khayal hai ki wo jo dosti ka wo ek hai na ki yaar they are always there. Back aapke through thick and thin. वो चीज वो उससे ज्यादा ब्यूटी जो है ना वो फ्रेंडशिप के definitely. अच्छा ऐसा है कि हम पब्लिकली इतना ज्यादा उस चीज को मतलब कि पिक्चर्स और अपनी वीडियोस वायरल कर देते हैं और उसके बाद हमें पूरा इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ता है बिल्कुल. तो वो जो फैन फॉलोइंग होती है वो बहुत अफेक्ट होती है. ये आप लोग सारे अपने अपने यू नो यू आर मास्टर ऑन योर ओन यू नो प्रोफेशन. मैं तो ये कहती हूँ कि आपके जो पर्सनल चीजें होती है ना वो आपको पब्लिकली रिवील करनी ही नहीं चाहिए बिकॉज जब आप करते हो ना तो आपके फैंस आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो आपसे कुछ थॉट्स रखते हैं. बिल्कुल ठीक है. आप पब्लिक आइकॉन हो, आप अपनी पर्सनल चीजें जब शेयर करते हो ना तो वो डिसअपॉइंट होते हैं. बट डोंट यू थिंक समटाइम्स लोग पब्लिक स्टंट्स भी करते हैं वो पब्लिक डिमांड होते हैं. मतलब अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते उन लोगों को वेट होता है कि ये हमसे अपनी तो आपके बारे में लोगों को जानने का दिल होगा. वो बात आपकी ठीक है. पब्लिक आइकॉन को लोग फोकस करते हैं इसने क्या आज पहनना है आज क्या खाना है ये पोस्ट होती है. जब आप पर्सनल अफेयर्स करते हैं ना तो पब्लिक जो लोग हैं ना जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं. वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव उनके माइंड में बन रहा होता है. इस वजह से आपको अकाउंट डिलीट करने पड़ते हैं. कंफर्म नहीं होती कि हमारा ब्रेकअप नहीं नहीं एक्चुअली नहीं वो इनकी बात वो तो कोई भी बेचारा नहीं सोचता. वो कपल को बहुत ज्यादा रेटिंग मिलती है. लेकिन एक चीज सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनकी बात से कुछ थोड़ा एग्री ये करता हूँ कि वो जो कहना चाह रही है ना वो ये कहना चाह रही है एग्जाम्पल आप किसी के रिलेशन में जब आ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करवाएं. हाँ जब आपको लगता है कि ठीक है अब हम रिलेशन हमारा बन गया है अब हम किसी मुकाम पे जा रहे हैं तो वो चीज आप फिर पब्लिक को दिखाएं. बीइंग मुस्लिम मैं तो ये बात करती हूँ कि हम मुसलमान है आर्टिस्ट तो बाद की बात है. तो हमारे जो जो हमारा माशरा है ना इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता. बिल्कुल अच्छा फिरोज खान इमरान अशरफ इसके अलावा मदीहा रिजवी मदीहा रिजवी का नाम है इस वक्त किरण निसार के सारे लोग हैं जो अफेक्टेड हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया मगर अब वो नहीं नजर आते एज अ कपल. आई थिंक मूव ऑन कर देना चाहिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है और जिंदगी कहीं रुकती नहीं है जिंदगी हमेशा चलती रहती है और अच्छा काम नहीं छोड़ना चाहिए. यहाँ लेंगे हम ब्रेक कहीं ना जाइएगा हमारे साथ रहेगा. गुड मॉर्निंग धनक.
आपने ना जो पहला वाला गाना पसूरी और ये रशी कमर, ये बहुत अच्छा अपनी आवाज में बहुत अच्छा गाया है. थैंक यू. लग ही नहीं रहा कि ये किसी और के ट्रैक्स हैं. यू बीन सिंगिंग एक्चुअली होता ही है कि जो हम लोग हर सिंगर का एक अपना अपना सिस्टम होता है कि उसने न्यू कराने हैं या जो हम कैराओके बाय करते हैं और ये मैंने स्पेशली बनवाए हैं उससे थोड़ा लॉन्ग टर्म बने हैं लेकिन होता है ना कि कुछ अच्छी चीज करने के लिए नॉट डाउन फ्रेंड जस्ट वेरी नाइस. और क्योंकि बिल्कुल और आप किसी के गाने जब गाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप उसको निभा सकते हैं. अक्ल के लिए अक्ल की जरूरत है. हां बहुत जबरदस्त आपने मतलब जब आप गा रही थी तो हमें लग हम सुनने का दिल चाह रहा था क्योंकि ये ऑब्वियसली रशी करम इतना बड़ा गाना और सारा. अच्छा आप हमेशा ट्रिब्यूट देती हैं मतलब कि जिसका गाना हो उसको आप. Definitely, मैं जब पोस्ट करती हूँ तो बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट दे के चाहे जिस भी आर्टिस्ट का मैं गाना गाती हूँ हमेशा. और रिसेंटली जो मैं कवर सॉन्ग्स गा रही हूँ उसमें मैं सबको ट्रिब्यूट करती हूँ. और बल्कि अभी बात हो रही है तो एक गुड न्यूज़ मैंने अपने सारे फैंस और सब फैमिली के लिए शेयर करनी है कि इसी मंथ जनवरी ऑफकोर्स चल रहा है तो इस मंथ के लास्ट में मेरा वीडियो सॉन्ग फर्स्ट डेब्यू वीडियो सॉन्ग मेरा रिलीज हो रहा है. और तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है कि समथिंग अ डिफरेंट जो एक फैशन वीडियो और जो आजकल यूथ टिकटॉक और वो सब चीजों को उस सारे पर्सपेक्टिव को लाइक ट्रेंडी है हम लॉन्च अपने शो में करेंगे. डेफिनेटली करेंगे क्योंकि ये तो अपने घर वाली बात है. ये चैनल ही अपना है और काफी पुरानी मतलब जब से मैंने काम शुरू किया है तब से हमेशा मैं इन इस चैनल में शोज में आती रही हूँ तो सबकी दुआओं की जरूरत है. Definitely. इस मंथ के लास्ट में मेरा वीडियो सॉन्ग कहाँ पे शूट किया है? लाहौर में या कहीं? लाहौर में ही शूट किया है और बहुत डिफरेंट मजा आएगा आप सब. तो हीरोइन तो आप खुद ही आई होंगी इसका ऑब्वियसली क्योंकि यू लुक लाइक ना डेफिनेटली. शुक्र है बिलाल ने अब हो गया ना नेक्स्ट में. बिलाल ने मेकअप पाउच के बाद किसी को तो कहा कि कम मेकअप करके आप खुद ही आई होंगी. थैंक यू बिलाल. अच्छा म्यूजिक की बात कर रहे थे तो म्यूजिक ब्रेकअप्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं. बैंड्स के ब्रेकअप्स की बात करें दो लोग जो इकट्ठे गाते थे जो डुएट करते थे वो लोग भी अब हमारे साथ नहीं है. और पिछले साल के अलावा भी बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी हर जो बैंड बनता है उसकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है. जब वो अलग सोलो गाते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं. जुनून से शुरू करते हैं तो अली अजमत का नाम, सलमान अहमद का नाम, सलमान अहमद बिल्कुल अब अमेरिका में अलग कॉन्सर्ट्स करते हैं, अली अजमत अलग ओएसटीज गा रहे हैं, अलग कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग हमेशा से उनको इकट्ठे देखना चाहते हैं. That's very true. बिल्कुल. इसके अलावा स्ट्रिंग्स के वो भी थे बिलाल और बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया. हां फैसल कपाड़िया वो दोनों भी कोक स्टूडियो में करते हैं. एक कोक स्टूडियो में चले गए. इवन द सोलो सेपरेशन हो गई ना दोनों में अलग-अलग हो गए. लेकिन इनका तो है कि अब सोलो भी अच्छा लगता है. हां सोलोज इनको आप देख सकते हैं और जितने सिंगर हैं उनको तो ब्लैक शुरू से देखा नहीं साथ ही. बेसिकली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट काइंड ऑफ पर्संस कि जो अलहदा होके ज्यादा यू नो अच्छा काम कर रहे हैं. जल में भी फरहान आतिफ और इसके अलावा फरहान का भी तो ब्रेकअप हुआ है ना. बिल्कुल गौहर फरहान आतिफ जल में थे अब तीनों. गौहर तो एक्टिंग में चले गए आतिफ एक्टिंग भी कर रहे हैं सिंगिंग भी कर रहे हैं. एज अ सिंगर अगर बात की जाए तो आई थिंक आतिफ हैज एक्सेल्ड मोर. Basically, he's a, you know, a chocolatey boy, jo acting bhi kar sakta hai. Aur recently recently unka ek aaya na drama serial aaya. Usme unhone Pathan ka character kiya. It was amazing. Aur bahut acha. Maine dekha bhi tha. Wo bahut kamal ka character kiya. OST bhi unhone hi gaya tha. Aur maine Gohar bilkul out ho gaye. Gohar bilkul chale. Aur Farhan Productions mein chale gaye. वो भी अब मेरा खास गाना नहीं गा रहे. नहीं गा रहे हैं आवाज की बहुत बड़ी फैन थी. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. मुझे हारून भी जादू का चराग. जादू का चराग नोज बाग. Everyone knows about this. हाँ तो बिल्कुल जादू का चला है ना. और उनके साथ भी उनका बैंड का है. अब ये ना बताना कि हमारी उम्र इतनी है. लॉन्ग टाइम बैंड नहीं नहीं यार दैट टाइम आई वाज इन माय स्कूल. इसमें सब कुछ आ गया ना लॉन्ग टाइम. लेकिन ये कहते हैं कि ब्रेकअप्स वैसे दिल को अजीब से लगते हैं. मतलब ये होता है कि यार कि साथ होते तो आज कहाँ होते. अच्छा है कि अलग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक. कहीं ना जाइए हमारे साथ रहिए. गुड मॉर्निंग धनक.
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मेरे सारे दोस्त मेरे साथ हैं, हमने बहुत सी ब्रेकअप्स की बातें की, मेरी तरफ से या मेरे फ्रेंड्स की तरफ से किसी की दिल आजारी हो तो बहुत बहुत माजरत है, बिकॉज हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। हम सब डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट्स होते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। उनके तो सेंटिमेंट्स मजरूह होते हैं, बट पब्लिक के भी बहुत होते हैं, क्योंकि बाद में वही चीज़ एक गॉसिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारी गॉसिप सिर्फ एक पर्सनल लेवल पर थी, किसी की दिल आजारी हो तो वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। मगर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मुझे ये लगता है, जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगी, मुझे लगता है लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ये पॉजिटिव वे में ये हमने बात कही है, क्योंकि हमने बताया ब्रेकअप, और ब्रेकअप के बाद जितने भी आजकल जिनकी बारे में हमने बात की वो बड़े सेटल हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से दिस इज वेरी गुड। बिलाल, जो पहले आप आए और बैठे और आपने कहा है कि अच्छा याद है अभी तक, वैसे मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भूल गई। कहते हैं कि सिर्फ देना ही होता है, कुछ आता नहीं है। क्या हुआ था ए, आज बता दो प्लीज, मुझे बता दो। नहीं हुआ नहीं था, हो रहा है। नहीं एक्चुअली देखे, सीन ये है कि जा रहे हैं आ नहीं रहे। नहीं पहले तो आ रहे हैं जा नहीं रहे। नहीं पहले तो जा रहे थे आ नहीं रहे थे, अब जाना भी बंद कर दिया। हाँ नहीं है, नहीं नहीं ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप वाला कोई सीन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी तक कोई सीरियस ऐसा मामला हुआ ही नहीं है। अच्छा। और अगर दोस्ती पे मैं एक चीज कहूँ तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत लकी हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी दोस्त है वो मेरी माँ है। शी इज वॉचिंग मी राइट नाउ, और उनसे मैं शेयर करता हूँ हर एक चीज। और उसके अलावा ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है। अभी कैमरे में नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे कि क्या हुआ था। दोस्ती सबसे बेस्ट चीज है, डेफिनेटली बिल्कुल जी। इस सारी बातों का ये आई एम सॉरी गाइस, नहीं नहीं नहीं, तो हर चीज होने के बाद यूं लगता है कि जैसे दोस्ती हो सकती है, जब ब्रेकअप्स के बाद भी दोस्ती और काम चल सकता है, तो आई गेस किसी भी मोड पे दोस्ती हो सकती है। डेफिनेटली बिल्कुल। आई थिंक कि बस एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो है वो फ्रेंडशिप से बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं भाई। सॉरी मैं आपकी थोड़ी सी एक चीज ये कहना चाहूंगा कि लड़कियां लव्स क्यों कहती हैं, मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, दैट्स व्हाई। मतलब हर इंसान दूसरे इंसान से फर्क होता है, उसका माइंड, उसकी हर चीज अप्रोच। ठीक है, आई एम एग्री, बट एग्जांपल हम किसी के साथ रिलेशन में हो, दोस्ती में हो, एक्सपेक्ट जो भी, बट एक्सपेक्ट तो करता है ना। मुझे इनकी नजरें कह रही है मेरे मुझ पे, राइट? व्हेन यू आर इन फ्रेंडशिप या किसी और रिलेशनशिप में भी, तो वो आप अपनी मर्जी से। मैं कुछ कहना चाह रही, बड़े अरसे देर से उसको माइक बहुत जोर से आ रहा है, प्लीज बताओ जल्दी से बताओ हमें। In my opinion, मतलब relationship जब breakup means breakup, फिर कोई friendship नहीं, फिर पीछे मुड़ के देखना, फिर पीछे नहीं। जो friendship एक अलहदा से बहुत प्यारा रिश्ता है, वैसे अगर आप दोस्ती करते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती never, मेरे opinion में। But don't you think that like for example loyalty is the main thing? देखो दोस्तियाँ टूट जाती हैं, हो जाता है सब कुछ, but the thing is कि अगर आप loyal हो एक दूसरे के साथ, अगर आपने किसी के बारे में back biting नहीं की, तो आप you can start waiting. Definitely, this is a very good point. Yeah. इतनी बड़ी debate, oh my god. देखे दोस्त मिले ना, मेरा सबसे बड़ा टाइम दोस्ती है, बाकी सारी चीजें फॉर द टाइम। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है अपनी जात के साथ, अपने अपने ओपिनियंस हैं और अच्छी बात है, होने भी चाहिए, हर बंदे का अपने ओपिनियन में राइट होता है। मगर इससे पहले हम लोग, हमारा शो खत्म होने पे आ रहा है, मगर हम एक गाना सुनेंगे अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ, सारा के साथ। सारा कम फॉरवर्ड और हमें प्यारा सा गाना सुनाओ, उसके बाद हम अपने हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा एंड होगा, पॉजिटिव एंड होगा। हम सब अपने अपने दोस्तों के पास चलेंगे।